हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग स्पेसिमेन पेपर का सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर पार्ट टू, क्योंकि सेक्शन बी का पार्ट वन हो चुका है जिसमें हम लोगों ने कवर किए थे क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कवर क्वेश्चन नंबर फाइव एज वेल एज क्वेश्चन नंबर सिक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर फाइव। फर्स्ट पार्ट कहता है, फर्स्ट का ए पार्ट, स्टेट वन प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया डेमोन्स्ट्रेटेड इन फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा अमोनिया वाले चैप्टर में, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में। अगर हम बात करें फाउंटेन एक्सपेरिमेंट की, तो वो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बताता है, वैसे तो दूसरी चीज भी वहां से पता चलती है। पहली चीज पता चलती है कि ये जो अमोनिया है ये हाईली सॉल्यूबल है वाटर में, ठीक है। सेकंड चीज क्या पता चलती है, तो हमें सेकंड चीज यहाँ पे पता चलती है कि जो अमोनिया है वो बेसिक इन नेचर है, राइट। तो यहां से हमें दो चीजें पता चलती है। नंबर वन, तो जो मेन चीज है वो तो यही है कि अमोनिया इज highly soluble in water, और you can say solubilities की पता चलती है। Give the ionic equation when ammonium hydroxide is dissolved in water. अगर हम NH4OH को dissolve करते हैं पानी में H2 में, तो आपको पता होता है electrolysis होता है ना, एक positive में टूट जाता है एक negative में टूट जाता है, तो ammonium ion मिलता है हमें और plus hydroxyl ion मिलता है, ठीक है। State the cation. नंबर वन, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। मैंने आपको एक वीडियो अभी बनाया है जिसमें मैंने आपको बताए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता चुकी हूं मैं। मैंने आपको उसमें बताई थी कि क्या क्या चीजें किस चैप्टर से आती हैं, उसमें मैंने आपको बताया। उससे भी पहले मैंने जो एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये बताया था। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे और यहाँ पे एक दो क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन आए हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री से, जो दो पेज का चैप्टर है। हम उस चैप्टर को आप बच्चे छोड़ देते हो कि दो पेज के चैप्टर, तीन पेज के चैप्टर में इतना क्या खास होगा, और आपको पता नहीं वहां से क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, ऑब्जर्वेशन टाइप के। मैं अभी इसका एक चैप्टर का वीडियो बनाने वाली हूँ जो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का होगा, 10 मिनट में वो चैप्टर आपको रट जाएगा, तो उसको जरूर देख लेना, ठीक है। सो अब वो बोल रहे हैं रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इन सोल्यूबल इन NH4OH। अब आपको याद होना चाहिए जो रेडिश ब्राउन कलर होता है वो होता है Fe3+ का, तो यहां पे कैटायन जो होगा वो होगा Fe3+। ब्लू कलर्ड, अब आपको बिना सोचे समझा आगे क्या है ब्लू कलर्ड, ब्लू क्या होता है कॉपर, आंसर हो जाएगा Cu2+, ठीक है। तो आप ऐसे आंसर लिख देना है, यहाँ पे क्यूपरस आयन, क्यूपरिक आयन, और यहाँ पे फेरिक आयन, ठीक है, दोनों में कैटायन बता देते हैं आपको। गिव अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है हमें, लैब प्रिपरेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम सोडियम एसीटेट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप समझ रहे होंगे। सोडियम एसीटेट ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, सोडियम एसीटेट होता है CH3COONA, इसमें ऐड करेंगे हम, आपको याद होना चाहिए NaOH और ऊपर ब्रैकेट में CaOH के ऊपर, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है आपका सोडा लाइम, याद है। तो यहां पर बनता है मिथेन, दैट इज CH4 अलॉन्ग विथ Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ इथाइन फ्रॉम वन, इथाइन बनाना है इथेन 1,2-dibromo। अब इसको आप जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ उसी तरीके से इक्वेशन आप याद करो तो ज्यादा इजी रहेगा। इथेन डाई 1,2-dibromo इथेन पहले तो बनाना है, तो इथेन यानी कि सिंगल बॉन्डेड, यहाँ पे भी ब्रोमीन लगा है और यहाँ पे भी ब्रोमीन लगा है, ठीक है, होप सो ये दिख रहा होगा आपको सही से। तो ये हो गया, अब कितने एच बचे, यहाँ पे बचेंगे एक दो बॉन्ड लगे हुए हैं, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन और यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन टेम्परेचर अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन के आएगा ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि देखो हमें इथाइन बनाना है, C ट्रिपल बॉन्ड C, कितने एच बचे, एक यहाँ पे एच बचा, एक यहाँ पे एच बचा, ये दोनों ब्रोमीन K के साथ चले जाएंगे, तो 2 times of KBr बचेगा और साथ में वाटर बचेगा। अगर कोई चीज़ बैलेंस ना हो तो बैलेंस कर लेना, यहाँ पे 2 लग जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन। सी पार्ट, इथीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन। इथीन क्या होता है, मेथ एथ, दिस इज इथीन, राइट, और साथ में यहाँ पे H2, यहाँ पे H2, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं क्लोरीन से। आपको पता है दोनों क्लोरीन आके यहाँ पे लग जाएंगे, तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे बॉन्ड आएगा, यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे H लगा हुआ है, H2 चलो लगा देते हैं, यहाँ पे लग जाएगा एक क्लोरीन, यहाँ पे लग जाएगा दूसरा क्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट वन रेलिवेंट ऑब्जर्वेशन, किससे क्वेश्चन आए, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं उसी चैप्टर से, एनालिटिकल से, ठीक है। व्हेन एक्सेस अमोनिया इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, जब हम एक्सेस अमोनिया को पास करते हैं लेड नाइट्रेट से, तो क्या बनता है, तो PbOH का होल ट्वाइस प्रेसिपिटेट निकलता है विच इज इनसॉल्यूबल इन वॉटर, विच इज इनसॉल्यूबल इन वॉटर। देख देन नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम कॉपर इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है,
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, हवा बहुत तेज चल रही है. सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होता है एट कैथोड, जिसकी वजह से एनोड डिक्रीजेज इन साइज, या फिर बोलो थिनर होता जाता है, वेयर एज कैथोड थिकर होता जाता है. ठीक, निकल निकल के एनोड से कैथोड पे, कैथोड से एनोड पे जा रहा होता है, कैथोड पे जा रहा होता है. सॉरी, NH4OH इज एडेड इन टू फेरस सल्फेट सॉल्यूशन. फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में NH4OH अगर ऐड होगा तो यहाँ पे बनता है PbOH का होल ट्वाइस का प्रेसिपिटेट. अच्छा, कलर भी लिख लेना चाहो तो ये होता है, ये होता है आपका चौकी वाइट कलर. ठीक, और ये होता है डर्टी ग्रीन कलर. ठीक है, चलो तो ये है क्वेश्चन नंबर 5. जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट, डिफाइन गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स. गे-लुसैक्स लॉ क्या होता है? ओके, इससे पहले मैं बता दूं आपको, गे-लुसैक्स लॉ पे मैंने 8 से 10 मिनट का वीडियो बनाया है जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज वैसा क्वेश्चन आना ही आना है. मैंने पहले भी आपको बोला है, सैंपल पेपर में भी है. ठीक है, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा. मैं उसका लिंक जब आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में कर दूंगी. ठीक है, वैसे कल तक ये वीडियो आ जाएगा वो वाला भी. ठीक है, सो गे-लुसैक्स लॉ क्या होता है, जब भी कोई गैसेस रिएक्ट करती हैं, वो रिएक्ट करती हैं वॉल्यूम्स के हिसाब से. ठीक है, तो जब कोई गैस रिएक्ट करेगी वो वॉल्यूम में रिएक्ट करेगी. वो जो वॉल्यूम होता है उसका जो रेशियो होता है वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा. सिंपल होल नंबर रेशियो मतलब 1:2, 2:3, समथिंग लाइक 6 तक अप टू 6 तक जो रेशियो होगा दैट इज सिंपल होल नंबर रेशियो. ठीक है, सो मैं एग्जांपल के साथ आपको यहीं पे समझा दूंगी. जब भी कोई गैस रिएक्ट करेगी वो किस पे रिएक्ट करेगी, वॉल्यूम में रिएक्ट करेगी. उसका वॉल्यूम जो होगा, उसका जो रेशियो होगा, वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो होगा. यही गे-लुसैक्स लॉ कहता है. ठीक है, सो यू विल राइट इट एज, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम्स. ठीक, सो द, या यहीं पे मैं कंटिन्यू कर देती हूँ, विच बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स. ठीक है, आप इसके आगे एक चीज और मेंशन कर सकते हो कि इसमें कंडीशन, अगर व्हेन दे आर रिएक्टिंग इन अ वॉल्यूम, तो आप इस चीज में और क्या ऐड ऑन कर सकते हो कि रिमेनिंग द प्रेशर एज वेल एज द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट. ठीक है, सो व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम. ठीक, वॉल्यूम में रिएक्ट करती है, वो जो वॉल्यूम होगा वो when gases react they do so in volume which bears a simple whole number ratio to one another and to the products reacting gases और जो अदर है. मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये चीज समझा दे रही हूँ, इफ इन केस आपको नहीं आता है. जब देखो बेटा हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है मान लो ऑक्सीजन से, सबको पता है H2O का वाटर मॉलिक्यूल बनेगा. इसको बैलेंस करेंगे तो 2 times ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा HO2 से, तो 2H2O बन के आएगा. ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या है, देखो H2 कितना है, 2 वॉल्यूम्स है. जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है दैट शोज इट्स वॉल्यूम. ऑक्सीजन इज 1 वॉल्यूम एंड हाइड्रोजन सॉरी वाटर इज 2. तो यहाँ पे आप इसका रेशियो देखो क्या आ रहा है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है. दैट मींस ये क्या है, गे-लुसैक्स लॉ को फॉलो कर रहा है. आई होप सो आप गे-लुसैक्स लॉ यहाँ पे समझ गए होंगे. ठीक है, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम विच बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर एंड टू द प्रोडक्ट्स ऑफ द गैसेस. वेपर डेंसिटी क्या होता है, सो वेपर डेंसिटी होता है जो भी वेपर्स की डेंसिटी होगी पर्टिकुलर गैस की विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन गैस, तो उसको आप बोलते हो वेपर डेंसिटी. ठीक है, सो इसमें आप लिख सकते हो द डेंसिटी ऑफ वेपर्स ऑफ द गैस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इज known as वेपर डेंसिटी. अगेन आप इसको मेंशन कर सकते हो क्या, कि टेम्परेचर एंड रिमेनिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. गे-लुसैक्स लॉ से क्वेश्चन है, 1250 cc ऑफ ऑक्सीजन वॉज बर्नड विथ 300 cc ऑफ इथेन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द अनयूज ऑक्सीजन एंड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म. आपको इक्वेशन सैंपल पेपर में गिवन है, हो सकता है इक्वेशन गिवन ना हो,
बच्चे डर जाते हैं कि ये C2H6 आ गया यार, इसकी इक्वेशन टफ ना हो, रट लो। मैंने वहां भी अभी मैं आप जो को वीडियो अपलोड करूंगी उसमें भी आप ये चीज देखोगे, मैंने वहां भी ये बात मेंशन करी है कि कभी भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो आपको CO2 और H2 ही मिलना है गे-लुसैक्स लॉ के क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में लगाएंगे। मैंने कभी भी यूनिटरी मेथड नहीं बताया, तो मैंने इसको समझाया हुआ है कल की वीडियो में, आप वो चीज भी देख लेना याद से। तो 1250 गिवन है हमारे पास ऑक्सीजन, सो दिस इज बेसिकली 1250, ठीक। और ये गिवन है 300 cc, ठीक। तो हमें ये मिल गया 300, छोटे वाले उसको उठाया, 300 किस पे मल्टीप्लाई करने पे आएगा 150 इंटू 2 इज 300 बेसिकली 1250। यहाँ पे क्या करना है, सबको 150 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ऑल दो वाटर से कोई मतलब नहीं क्योंकि ये गैसेस के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे जो जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है मैंने वो लगा दिए, 7 5 35 7 7 1050, ये कितना आएगा, ये 300 आएगा, ये कितना आएगा 15 4 60 600। तो देखो क्या क्या पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है, एक आगे हमारा आंसर 600 cc, सॉरी दूसरा आंसर क्या है, कितना अनयूज है। तो 1250 में से हम माइनस करेंगे 1050 विच विल कम आउट टू बी 200, ठीक। सो इट विल बी अराउंड 200 cc। तो हमारा एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का दो पार्ट हो गए, जल्दी से दो और पार्ट करते हैं, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड पार्ट पे आते हैं हम लोग। स्टेट द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, कुछ रिएक्शन है हमें कंडीशन बतानी है क्या क्या है। कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने की कंडीशन क्या है, हमें ऑक्सीजन एड ऑन करना होता है। तो हम SO2 में ऐड करेंगे O2 तो बन जाएगा SO3। रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या होंगी, अच्छा इसको बैलेंस भी कर लीजिएगा, 6 and 6 बैलेंस। रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे हम लोग जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं V2O5, ठीक है। इसको नीचे लिखना था एक्चुअली, टेम्परेचर ऊपर लिखना था। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 450 अराउंड डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रिक एसिड, कौन से प्रोसेस होता है, याद होना चाहिए आपको, ओस्टवाल्ड प्रोसेस होता है। इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं NH3, साथ में ऐड करते हैं O2, तो ये बना के देता है हमें NO plus H2, ठीक। सेकेंड इक्वेशन में आते हैं जिसमें NO आता है, वापस से फर्दर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, बना देगा NO2। थर्ड रिएक्शन में आएंगे, थर्ड रिएक्शन में NO2 रिएक्ट करेगा H2O प्लस O2 से, जो बना के देगा हमें HNO3, ठीक है। अब बैलेंस भी कर लो अगर करना हो तो, यहाँ पर लग जाएगा 4 लगा के देखते हैं, सो 4 5 एंड यहाँ पे क्या लगा दें, 4 नाइट्रोजन 6 2 12 4 3 12 ऑक्सीजन 4 and 6 10 5 2 10 नाइट्रोजन 4 यस इट इज बैलेंस, ठीक है। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, ये भी बैलेंस्ड है। इसमें NO2 H2O2 HNO3, सो HS2 यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 लगाया, 3 2 6 2 3 4 5, यहाँ पे लगेगा 2, यहाँ पे 2 हटा के यहाँ पे लगाएंगे हम लोग 4, तो 4 नाइट्रोजन यहाँ पे 4 4 2 8 एंड 9 10 12, 4 3 12, यस इट इज बैलेंस, ठीक है। अच्छा कंडीशंस भी बता देते हैं, यहाँ पे बेटा यूज हो रहा है आपका, अराउंड टेम्परेचर होता है 700 to 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक। यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, प्लैटिनम का, याद रखना ये सब, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में अराउंड टेम्परेचर कर देते हैं हम लोग 50 डिग्री, मैं जहां जहां टेम्परेचर गलती से नीचे लिख दे रही हूँ आप याद रखना, एरो के ऊपर लिखा जाता है टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका, और क्या बचा, समथिंग एल्स, नो। यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होता है ये आयरन और समथिंग MO, मोलिब्डेनम या मोलिब्डेनम जो भी बोलो, कन्वर्जन ऑफ N2 टू NH3। अब हमें पता है यहाँ पे N2 प्लस H2, सॉरी ये यहाँ पे नहीं होगा, N2 प्लस H2 गिव्स आउट 2NH3, जो कि रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। अच्छा ये क्या है, हेबर्स प्रोसेस है, याद है सबको, हेबर्स प्रोसेस लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये कौन सा प्रोसेस है, ये ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस है, ठीक। N2 प्लस H2 गिव्स आउट 2NH3 बैलेंस्ड है, ये भी 3 2 6, सो यहाँ पे 3 लग जाएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी रिएक्शन, यहाँ पे होगा आयरन प्लस मॉलिब्डेनम, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है, चूज द रोल प्लेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज ABC विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस 1 to 3, ठीक है। यहाँ पे ABC 3 चीजें दी हुई है और 3 रिएक्शंस दी हुई है, हमें बताना है कौन सी रिएक्शन में क्या चीज, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो किस तरीके से काम आ रहा है, ठीक है। रिएक्शन नंबर 1 NaNO3 सोडियम नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ इन द टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, तो हमें सोडियम
NaHSO4 दैट इज सोडियम बाइसल्फेट मिल रहा है अलोंग विद द नाइट्रिक एसिड HNO3। तो यहाँ पे ये H2SO4 कौन सा काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉन वोलेटाइल या फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखो लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस है और H2SO4 जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है सोडियम के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम कर रहा है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो द आंसर विल बी ए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपको इन तीनों में से कोई एक आंसर नहीं भी पता हो, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल नहीं पता, तो आप बाकी के क्वेश्चंस में बढ़ जाया करो, जो बचेगा उसको लास्ट वाले का आंसर लिख दिया करो। सेकंड है CuSO4.5H2O gives out CuSO4+5H2O। ध्यान से देखो CuSO4.5H2O स्टार्टिंग में पानी मिला हुआ है, वाटर मिला हुआ है, लेकिन एंड में अगर हम देखें तो वाटर बाहर चला गया। किस तरीके से काम कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। व्हाट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट? इट इज नथिंग बट अ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। सो इट इज वर्किंग एज बी, that is dehydrating agent. S plus H2SO4 gives out SO2 plus H2O. अच्छा, यहाँ पे एक ही कंडीशन बची ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देख के भी आप समझ सकते हो सल्फर यहाँ पे सिंगल है और यहाँ पे सल्फर पे एड ऑन हुआ है ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज वॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला काम है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्या है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो आंसर इज ए। मैंने यहाँ पे शायद गलत लिख दिया, ये होगा बी। सॉरी, मैंने ए बी सी लाइन से लिख दिया, सॉरी। यहाँ पे मैंने बोला था नॉन वोलेटाइल, एज अ नॉन वोलेटाइल, यस, सो इट विल बी बी। यहाँ पे मैंने बोला था डिहाइड्रेटिंग, सो इट विल बी सी। सो इट विल बी बी सी एंड देन ए, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पे होता है आज का वीडियो खत्म। नेक्स्ट वीडियो में आपको सैम्पल पेपर में जो मिलेगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 और वहाँ पे हो जाएगा सैम्पल पेपर हमारा खत्म। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।